राजनेताओं द्वारा अपने बच्चों की शादियों में अपने रुतबे की झलक दिखाना तो आम बात होती है, लेकिन उत्तराखंड के एक विधायक इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर अपने औहदे के साथ राज्य सरकार के लोगों का इस्तेमाल भी कर डाला। सोशल मीडिया पर विधायक की काफी आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से हरिद्वार के ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शादी आज है। शादी का कार्ड जब लोगों के बीच पहुंचा तो यह देखकर सभी हैरान हो गए कि कार्ड पर राज्य की उत्तराखंड सरकार का लोगो लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर कार्ड की तस्वीर आते ही लोगों ने इसे लेकर सवाल भी करने शुरू कर दिए। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह शादी सरकारी पैसे से हो रही है जो इसके साथ राज्य सरकार के लोगों को जोड़ा गया है। उधर कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सरकार का लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम सरकार से पूछ लें। सरकार से उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बता सकते हैं, या फिर जो उनके प्रभारी हैं वो बता सकते हैं। निश्चित रूप से एक मानवीय गलती है, उस मानवीय गलती को अब हम कितना माफ़ कर सकते हैं या कितना माफ़ नहीं कर सकते ये अलग चीज़ है, परंतु यह निश्चित रूप से फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है कि उनकी गलती किस लेवल की है। कई लोगों ने बेशक विधायक के इस कदम को नैतिक रूप से भी गलत ठहराते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि इससे लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। लेकिन बीजेपी के विधायक को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। गरीब कन्या की शादी कर रहा हूँ, उसका कन्यादान कर रहा हूँ, अपनी बेटी की तरह कर रहा हूँ। लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं एक गरीब कन्या का कन्यादान उसका पिता बन के कर रहा हूँ? मैं विधायक हूँ तो लोगों मैंने लगाया विधायक का, उसमें सांसद का लोगों तो नहीं लगाया। बीजेपी नेता ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिस पर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।